बताऊंगी वक्त आने पर, फोटो वीडियो सब कुछ बताऊंगी। इसीलिए आदिल आपने 8 महीने की शादी मेरी खामोश रखवाई ये अफेयर्स करने के लिए। कहते हैं तुम मेरी भगवान हो, मेरा खुदा हो, अल्लाह के बाद तुम हो। नहीं, मुझे खुदा अल्लाह किसे कंपेयर मत करो। मुझे एक बीवी बनना है, बच्चों की माँ बनना है, मैं एक इंसान बनना चाहती हूँ। कि अभी मैं इनके अफेयर्स के फोटो वीडियोस कुछ नहीं दिखाना चाह रही हूँ। 8 महीने तक मैं ऐसे रही। जी मेरा शोहर, जी मेरा अस्सलाम वालेकुम, जी मेरे शोहर, आप पलके झुका के रही। इसलिए आपने डिनाई किया था मेरी शादी का, बिकॉज ऑफ दैट गर्ल। इसलिए आपने मेरी शादी का डिनाई किया था। और 5-6-10 दिन में आपने बाद में दुनिया के फैंस के मीडिया के डर के मारे बाद में आपने कबूल किया। मैं किसी की सीढ़ी नहीं बनना चाहती हूँ। तुम मुझे सीढ़ी मत बनाओ। सीढ़ी बना के आगे बढ़ के क्या हासिल कर लोगे? ये दुनिया जो हंस रही है मुझ पर, आधे से ज्यादा हंसो मत। मेरे पीछे सब हो रहे गंदे अफेयर का पहाड़ टूटा। जो मैं कहती हूँ ना मेरी शादी खतरे में है, वो लड़की को मेरे आदिल के बीच में शादीशुदा पति पत्नी के बीच में आओगी, शर्म आनी चाहिए। एक औरत का घर तोड़ रही है। आदमी तो होता ही कुत्ता है। तुम जाओगे तो करेगा ही। तुम एक शादीशुदा औरत की जिंदगी खराब कर रही हो। शुक्र करो अभी तुम्हारा नाम नहीं लिया मैंने तुम्हारे वीडियो वायरल नहीं की वीडियो में। जब मैं पलके झुका के बर्दाश्त करना चाहती हूँ तो आंख उठा के अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मैरिज के लिए लड़ना भी जानती हूँ। अभी भी वार्निंग दे रही हूँ, पर्दाफाश कर दूंगी। आदिल आपको भी वार्निंग दे रही हूँ, अभी से उस लड़की का नाता छोड़ दो। सुबह का भूला शाम को घर पे आ जाए उसे भूला नहीं कहते। आदिल तुम ये सोचोगे कि दूसरी औरतों की तरह मैं खामोश बैठ जाऊंगी? 2-4 शादियां की धमकी आप मेरे को दोगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या तोहफा दिया है आपने मुझे? मानती हूँ आदमी से गलती होती है, मैं गलती माफ कर दूंगी। आदिल लौट कर मेरे घर वापस आ जाओ। आदिल सुधर जाओ। उस लड़की को कहना चाहती जो बीवी का नहीं लॉयल, वो किसी का नहीं। कहते हो ना कि मीडिया में आती हो क्यों बात, घर में रखो। घर में रहकर ना मुझे भी फ्रिज में नहीं जाना है। अपने शादीशुदा हक के लिए मुझे लड़ना है और मैं लड़ूंगी। आधे से ज्यादा नहीं जानते सच्चाई। बोली थी जब मेरी माँ हॉस्पिटल में थी मैं, अब वो लड़की मेरे सर पे मुतना चाहती है। मुझे आदिल का उसको साथ है, इसलिए वो लड़की मुझे डंके की चोट पर कहती है कि वो तुम्हें छोड़ेगा और 100% मुझसे शादी करेगा। इसलिए तुमने 8 महीने की शादी मेरी छुपाई आदिल। तुम्हारी आंटी ने, तुम्हारे सब लोगों ने बोला बेटा एक चांस दो। 10 चांस दिए मैंने आदिल को। मैं सिर्फ घर बसाना चाहती हूँ, सिर्फ मैं बीवी माँ बनना चाहती हूँ। मुझे सड़क पे आना पड़े।